बात जब जनता के सरोकार की होगी तब बात हिंदुस्तान की होगी। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी। क्यों ऐसा है कि हमारे देश की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका उत्तर आज की हमारी सरकारों के पास नहीं है। बहुत ही दुख होता है। देश को स्वाधीनता प्राप्त करे 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कई सरकारें आई और गई, बहुत दावे किए, वादे किए, लेकिन बड़ी ही दुखदायी बात यह है कि अभी तक हमारे देश के पास ऐसी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी नहीं है जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी को टक्कर दे सके, बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उनके आगे कहीं पर भी नहीं टिकती, 1% भी। देश के युवाओं को अपनी सरकारों से सवाल करना चाहिए कि घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, अच्छे शिक्षक होंगे, रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी, अच्छे प्रोफेसर होंगे। हम तो सवाल करते ही, आप भी कीजिएगा। ये सब अभी तक क्यों नहीं हो पाया? ये सब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। इसका मतलब सीधा ये है कि हमारी सरकारें एजुकेशन सेक्टर को लेकर कितना सीरियस है, ये पता लगता है, ये पता चलता है। जो बातें बता रहा हूं वो देश के सभी नेताओं समेत देश के HRD मिनिस्टर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि क्या पता ये वीडियो देखने के बाद ये पता लग जाए कि हमारे देश की यूनिवर्सिटी दुनिया की यूनिवर्सिटी के आगे कहां स्टैंड करती है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने साल 2020 के लिए दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप 300 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। कल्पना कीजिए दुख कितना होता है। पिछले साल IISc बेंगलोर की रैंकिंग 251 से 300 के बीच थी, वहीं इस साल रैंकिंग 301 से 350 के बीच है। इतनी रैंकिंग कैसे गिर गई, बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि हमारा प्रदर्शन बदस्तूर खराब होता जा रहा है? बता दें कि इस लिस्ट में भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी कि IISc का नाम सबसे टॉप पर है, यानी IISc भारत की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी। इस बात से थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया की यूनिवर्सिटी के आगे कहीं पर भी नहीं टिकती है। क्योंकि हम इस बात को देखें तो अभी तक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं कर पाए हम जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी को टक्कर दे सके। चलिए फिर भी मान लेते हैं, दिलासा दे देते हैं अपने आप को, तस्कीन देते हैं एक वक्त के लिए कि भारत में टॉप यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये भी सोचेगा कि हमारे नेताओं के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में फिर क्यों पढ़ने जाते हैं अगर भारत में ही टॉप यूनिवर्सिटी है तो। हमारे नेता लोगों को भी भारत में ही दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का निर्माण करना चाहिए ताकि नेताओं के बच्चे भी भारत में पढ़ सके, जो भारत में पढ़ते हैं उनको विदेश जाने के ख्याल जहन में ना आए, वो भी भारत में ही पढ़ सके ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे। चुनाव के समय ये सवाल अपने नेताओं से पूछेगा जरूर। भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ और इंदौर ने पहली बार में ही टॉप 301 से 350 में जगह बनाई है। ये दोनों संस्थानें 2008 और 9 में स्थापित हुई थी, जिसके बाद पहली बार इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। इन दो संस्थानों ने शोध उद्धरणों में उच्च स्कोर बनाए हैं। IIT रोपड़ को 100 जबकि IIT इंदौर ने अनुसंधान उद्धरण पैरामीटर में 77 अंक हासिल किए हैं। इस साल 56 संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है। वहीं पिछले साल देश के 49 संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली थी। पिछले साल जहां 5 भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 500 में शामिल थे, वहीं इस बार यह बढ़कर 6 हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि IIT बॉम्बे ने 401 से 500 ग्रुप में अपना स्थान बरकरार रखा है। IIT दिल्ली और खड़गपुर ने एक ही ब्रैकेट में प्रवेश किया है, जिससे उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। वहीं ग्लोबल रैंकिंग 2020 में चीन की यूनिवर्सिटी ने इस बार अच्छा स्थान प्राप्त किया है। चीन की टसिंगवा यूनिवर्सिटी को ग्लोबल रैंकिंग में 23वें स्थान और पिकिंग 24वें स्थान पर पहुंच गई है। अगर उच्चारण सही नहीं हुआ तो माफ़ कीजिएगा। अब आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटी के नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर पर ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर आती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 5वें नंबर पर आती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी छठे नंबर पर है। तो वहीं 7वें नंबर की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। 8वें नंबर पर येल यूनिवर्सिटी, 9वें नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, 10वें नंबर पर इंपीरियल कॉलेज लंदन है। आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय रैंकिंग दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक रैंकिंग में से एक है। इस वर्ष इसने 92 देशों से
92 देशों के 1396 शैक्षणिक संस्थानों का आकलन किया है। जो बताया है उसको जहन में डालिए, जो सवाल बनता है वो नेताओं से पूछिए। देश में आई मंदी की बहस अब सीधा जाकर ओला और उबर में अटक गई है। लगता है इससे आगे बढ़ नहीं पाएगी, लेकिन हम फिर भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई मंदी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अजीब बयान देकर सबको चौंका दिया है, मुझे भी, यहां तक कि दूसरे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी। उन्होंने इस सेक्टर में आई मंदी के लिए ओला और उबर कैब सर्विस को जिम्मेदार ठहराया। हाल में दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लोगों की सोच में आए बदलाव का असर पड़ रहा है। लोग वाहन खरीदने के बजाय ओला या उबर को तरजीह दे रहे हैं, यानी कि प्रायोरिटी दे रहे हैं। हालांकि तथ्य और आंकड़ों पर गौर करें तो वित्त मंत्री की थ्योरी किसी भी तरह से मेल नहीं खाती है। उदाहरण के लिए सभी कैब कंपनियों की बिक्री कंपनियों के कुल यात्री वाहन बिक्री का 8-10% ही है। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति के पूरे टैक्सी सेगमेंट की बिक्री 5-6% के बीच ही है, और यह आंकड़ा पिछले एक साल में बदला नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कुल कार बिक्री में गिरावट के अनुपात में कैब एग्रीगेटर्स की बिक्री में गिरावट आई है। हुंडई में यह आंकड़ा 3% पर है। इस वित्त वर्ष में अभी तक यात्री वाहन में एक साल पहले की तुलना में लगभग 1/4 की गिरावट आई है। इस साल लगातार 10 महीने और पिछले 14 में से 13 महीने में ये गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी है कि इस संकट से निपटने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर करीब 10% GST में कटौती कर रहा है। हालांकि कई राज्यों ने इस कटौती का विरोध भी किया है। पहली नज़र में लगता है कि सड़क पर कैब और रेडियो टैक्सी की संख्या बढ़ गई है। उदाहरण के लिए ओला की 8.5 लाख गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही है और दूसरी 50,000 गाड़ियाँ भी लीज मॉडल पर हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह सभी नई गाड़ियाँ हैं। कई ओला और उबर गाड़ियाँ प्री ऑन्ड है और दोनों ही जगहों पर रजिस्टर्ड है। इससे पहले भी इस मंदी को लेकर कई एपिसोड कर चुका हूँ। आपने कई तरह अलग अलग तरह के पहलू समझे होंगे और आज दूसरे पहलू पर कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग प्रमुख शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि ओला और उबर ऑटो इंडस्ट्री में मंदी का ठोस कारण नहीं है। उन्होंने मंदी के कारणों को लेकर अध्ययन की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि बीते 6 सालों में ओला और उबर की मौजूदगी में भी अपने बेहतर प्रदर्शन किया है अपने प्रदर्शन। महिंद्र और महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयंका ने भी कहा कि मंदी का प्रभाव अभी तक इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है, मगर भविष्य में यह खासा बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई मंदी की वजह से ओला उबर भी खासी प्रभावित हुई है। 2016 में डेली राइडरशिप की ग्रोथ 80% से ज़्यादा घटकर 2019 में सिर्फ 4.5% रह गई है। दोनों कंपनियों की डेली राइड जो 2018 में 35 लाख थी, वो इस साल थोड़ी बढ़ोतरी के साथ अब 36.5 लाख है। निर्मला सीतारमण जी को अपनी कही हुई बात पर कि मंदी का कारण ओला और उबर है, थोड़ा सोचना चाहिए या फिर किसी अफेक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए या फिर अध्ययन करवाना चाहिए। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर। अब आपको बताता हूँ आज का इतिहास। 1848 में आज ही के दिन एक नया संविधान स्विट्जरलैंड की स्थापना संघीय राज्य के रूप में हुई थी। 1938 में आज ही के दिन एडॉल्फ हिटलर ने चेकोस्लाविया के सुडेनलैंड क्षेत्र के जर्मनों के लिए स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की मांग की थी। 1959 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने चंद्रमा पर एक बड़ा रॉकेट लूनिक 2 लॉन्च किया था। 1959 में आज ही के दिन बोनांजा प्रीमियर रंगीन स्क्रीन में प्रस्तुत किया गया पहला नियमित रूप से निर्धारित टीवी कार्यक्रम था। 2007 में आज ही के दिन पूर्व फिलीपीन के राष्ट्रपति जोसेफ एस्ट्राडा को लूट का दोषी पाया गया था। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए इतिहास के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज के हिंदुस्तान की और आपके सरोकार की, जिसमें हम आपको इसी तरह से सच्चाई दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।